नमस्कार, मैं एस्टर पूर्णिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रही हूँ वो है बृहस्पति, जुपिटर, जो कि हमारे कुंडली में, हमारे जन्म कुंडली में अगर अच्छे जगह पर बैठी हुई है, अच्छे पोजीशन पर बैठे हुए हैं, तो वो हमें अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन कुछ लोगों के मुँह से मैंने ये सुना है कि मेरी तो बृहस्पति की दशा चल रही है लेकिन मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा या मैं उसका लाभ नहीं उठा पा रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी अगर बृहस्पति अच्छी है, आपकी जुपिटर अच्छी है, या आपका जुपिटर का दशा अगर चल रहा है, बृहस्पति की दशा चल रही है, तो आपका काम बन नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तब ज़रूर आप बृहस्पति के जो शत्रु ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं या वो उनको तकलीफ दे रहे हैं। तो आपको इस विषय पर देखना पड़ेगा कि आपके जुपिटर की कंडीशन कैसी है और अगर सही नहीं है तो उसको सही कैसे करें, क्या ऐसी चीज़ें हैं बृहस्पति अगर ख़राब होती है तो हमारे लाइफ में होने लगती है और किन चीज़ों की वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों को, रेमेडीज़ को अगर हम करते हैं तो हमारे बृहस्पति अच्छी होती है, हमें उसका पूरा लाभ उठा पाएंगे हम और हमारे बृहस्पति की दशा में हम बहुत ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे, संचय कर पाएंगे और अच्छी चीज़ें हमारे लाइफ में आएगी, नए वेंचर्स कर पाएंगे, न्यू बिगनिंग कर पाएंगे। आप घबराएंगे नहीं, कोई भी नया काम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो हमारा जो किस्मत का जो पूरा टोटल जो कनेक्शन होता है ना, वो हमारा नाइन्थ हाउस से रिलेट करता है और नाइन्थ हाउस जो है वो जुपिटर का हाउस होता है। तो हमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना चाहिए, जुपिटर अगर अच्छी है, कुछ ग्रह जो है वो सहायक होते हैं हमारी उन्नति के लिए और कुछ ग्रह जो है वो हमें पीछे की ओर ले जाते हैं। तो हमें अच्छी करना है। अगर मेरा ग्रह खराब है, हमारा ग्रह अगर खराब है, जुपिटर अगर अच्छा नहीं है, तो उसको अच्छी करने की कैसी कोशिश आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा परिणाम दे। अब बात करते हैं बृहस्पति की कुछ ऐसे चीज़ें, मैं बता दूँ आपको, अगर आपकी बृहस्पति अच्छी होती है तो आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। समाज में लोग आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, लोग आपकी मदद के लिए खुद ब खुद आगे आ जाएंगे। और अगर जहाँ आपका बृहस्पति खराब रहा तो लोग आपसे दूर भागेंगे, आप तो पहचान में ही नहीं आओगे, लोग आपको पहचानेंगे तक नहीं, लोग आपकी बातें सुनना तो दूर की बात है, आपके साथ मिलना पसंद ही नहीं करेंगे, आपको अवॉइड करके चले जाएंगे। बृहस्पति जो है, अगर मान लीजिए कोई इंसान बहुत अच्छा खासा शिक्षा ग्रहण कर रहा है, ज्ञान उसके पास बहुत है, पहले के दिन में ये जो पढ़ाई लिखाई सर्टिफिकेट्स वगैरह वो तो आज के डेट में है, उसे हम ज्ञान की श्रेणी में डालते हैं। शिक्षा बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुका है लेकिन पहले के ज़माने में ज्ञान जो है वो इस इन सर्टिफिकेट्स वगैरह के हिसाब से नहीं बोला जाता था। तो बहुत सारे वेदों का ज्ञान, बहुत सारी चीज़ें जो कि उनका एक्सपीरियंस रह चुका है उसका ज्ञान, पढ़ाई लिखाई नहीं, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी भी बात हम कर रहे हैं। ज्ञानी अगर व्यक्ति है तो ये ज्ञान का जो कारक है वो भी बृहस्पति ही होता है। इसके अलावा कोई भी नए वेंचर्स अगर आप शुरू करते हैं, आप शुरू कर रहे हैं कोई नया वेंचर, आपको घबराहट हो रहा, आप नहीं कर पा रहे, फटाक से होता भी नहीं, तब समझ लीजिए कि आपकी बृहस्पति कहीं ना कहीं नीच है या ख़राब की अवस्था में। और अगर कोई भी वेंचर सब चाहें तो तुरंत शुरू कर लेते हैं, आपको किसी भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता, इसका मतलब आपकी बृहस्पति अच्छी है। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई अगर किसी का रुक जाता है तो बिना कुंडली देखे आप ये समझ जाइए कि उसकी बृहस्पति खराब है। इवन जिन व्यक्तियों का बच्चा नहीं हो रहा है, जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हो रहे, तो ये चीज़ याद रखिए, या तो हस्बैंड या तो वाइफ की बृहस्पति ज़रूर से ज़रूर ख़राब होगी, तभी ये ऐसा होता है कि बच्चे नहीं होते हैं। इसके अलावा वेल्थ जो है हमारा, बृहस्पति क्या है कि हमारे पैसों को वेल्थ में कन्वर्ट करता है। आप ये मत समझिए कि पैसा इज इक्वल टू वेल्थ, बिल्कुल नहीं। पैसा जो है हमारे एसेट, हमारा लिक्विड कैश, जो जिससे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, प्रोडक्ट्स को लेते हैं पैसे के थ्रू, वो हो गया हमारा पैसा। वेल्थ हो गया जो आप उससे बनाते हो, आप अपना एसेट तैयार करते हो, गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हो या फिर कोई आपका एसेट तैयार होता है, आप संचय करके उसके माध्यम से आपने नई नई चीज़ें खरीदी हैं, तो वो हो गया आपका बृहस्पति का वेल्थ, मतलब एसेट तैयार करना। तो चीज़ें ये हैं, लगातार इनकम आते रहना, ये है आपका वेल्थ, कॉन्टिन्यूशन होना। आपने आज कमा लिया, कल से आप बैठ गए, तो ये आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है। आपको कंटिन्यू रहना है, आप तो कमाते ही चले जा रहे हैं और आपका ग्राफ जो है इनकम का वो ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, इसका मतलब कि आपका बृहस्पति अच्छा है। बृहस्पति अच्छे नहीं होते हैं जो लोग आपको नास्तिक मिल जाएंगे। कई सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं रखते, उनका विश्वास करने का या भगवान को मानने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मतलब आपकी कोई इच्छाएँ पूरी नहीं हो रही है,
आपने इतनी मन्नत मांग ली, भगवान से मांगने के लिए लोग जाते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी वो इच्छा कर दो, तभी भगवान को मानते हैं। अरे भगवान तो मेरी बात सुनता ही नहीं। तो ये जो नास्तिक प्रकार के कुछ लोग हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं रखते, मतलब के लिए भगवान की पूजा करते हैं, ये उनका बृहस्पति खराब होता है, उनका बृहस्पति नीच का होता है। दूसरी चीज़ है, जिन लोगों की आप अपने घर का जो नॉर्थ ईस्ट है उसको भी थोड़ा देखें, बृहस्पति को अच्छे करने के लिए नॉर्थ ईस्ट को आप अच्छे से साफ सुथरा रखें। वहाँ पे बिल्कुल भी कूड़ादान ना हो, वहाँ पे वॉशरूम नहीं होना चाहिए, बाथरूम नहीं होना चाहिए, वहाँ पर नीला रंग बिल्कुल भी ना हो। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट को अच्छा रखने के लिए हमेशा उसको साफ रखें ताकि आपका बृहस्पति अच्छा रहे। और अगर संभव है तो पीतल का लोटा में गंगा जल भर के उसको कवर करके रखें, पीतल के बाटे से उसमें चावल भर दें और एक रुपये का भी सिक्का उसमें रख दें। आप देखेंगे आपके घर घर की जो दिशाएं हैं, जो वास्तु करते हैं ये काम, वास्तु के हिसाब से आपका ये जो बृहस्पति है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और भी कुछ रेमेडीज़ मैं बता देती हूँ आपकी बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पहली चीज़ कि सोना धारण करें, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सोना पहने, सोना भी बृहस्पति को अच्छा करता है। सोना पीतल इन चीज़ों का यूज़ जितना ज़्यादा आप करते हैं उतना ज़्यादा बृहस्पति आपका स्ट्रांग होता जाता है। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो ये भी आपके लिए उपकारी होगा, ये भी आपके बृहस्पति को अच्छा करने में सहायक है। चने की दाल और हल्दी का दान अगर आप करते हैं किसी भी धर्मशाला में या मंदिर में तो ये भी आपके बृहस्पति को अच्छा करने का कारण बन जाएगा। केसर का तिलक नियमित रूप से रेगुलर लगाएं, शुरू करें बृहस्पतिवार वाले दिन से। डेली आप अनामिका उंगली से नहाने के बाद केसर का तिलक करें अपने सर पर, आप देखेंगे आपका जुपिटर अच्छा होता चला जाएगा। आप उनके सिर्फ मित्र राशियों को भी आपको सही करना चाहिए, जैसे कि गुड़, चावल, सौंफ, इसका भी दान अगर आप करते हैं तो भी आपका जुपिटर अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इन चीज़ों को करके आप अपने जुपिटर को अच्छा कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में अगर प्रॉब्लम है तो उसके जो रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं आते तो आप घर पर नॉर्थ ईस्ट में वो लोटा जो मैंने अभी कहा आपको वो करके देखें, आपका बर्थ चार्ट का जुपिटर जो है वो भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। आपको जो भी उपाय मैं बताती हूँ मैं आशा करती हूँ आप करके इसमें सफल ज़रूर हों, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में लिखें जय माता दी ज़रूर लिखें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।